अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा सैटरडे का व्लॉग। तो उठते ही मैं जल्दी से नाश्ता बनाने आ गई थी। मैं तकरीबन यहाँ 10 बजे उठी, उठते ही मैंने नाश्ता बनाया और मैं जो है ना किचन में नाश्ता करने बैठ गई थी अपना, क्योंकि मुझे खाने का दिल नहीं चाह रहा था, बस फिर भी खाना था क्योंकि मैंने जो है अपना केक बनाना था। और बस नाश्ता करते करते बनाते बनाते जो है तकरीबन 11:30 बज चुके थे और मैं जो है ना टाइम ही देखे जा रही थी, क्योंकि बस मैंने जो है ना टाइम से रेडी करके रखना था। मुझे बहुत टेंशन लगी रहती जब तक वो प्रॉपर रेडी होकर डब्बे में पैक नहीं हो जाता ना। तो बस मैं जो है ना 2 बैचेस में यहाँ पे क्रीम कर रही थी, क्योंकि जो है मेरी बीट अच्छे से नहीं होती, क्योंकि मेरा जो बीटर है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा बेचारा। साइड में मैंने गिलास हार्ड करके रख दिया था, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। तो बस जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में लगना था। 3 पाउंड का केक था मेरा, एक ओको मेलन का, और जो है मैंने इसको पहले क्रीम को बीट करा, फिर जो है मैंने केक रेडी करने रखा। और टॉपर्स भी मैंने कट करने थे, आधे मैंने कल कट करके रखे और आधे मैंने आज कट करे। फिर जो केक जो है मैंने 3 पाउंड का एक साथ ऐसे ही बनाया था, फिर मैंने इसको कट करके जो मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके से मैं इसको कट करूँगी। तो बस फिर मैंने जो ना पहले दोनों को जो है क्रीम लगा के मतलब रख दिया था, फिर उसको कटिंग बाद में की थी। फिर यहाँ पे मैं टॉपर कट करके जो है ना स्टिक पे लगा रही थी, क्योंकि इनको भी सेट करना था। फिर बस मैं केक तब तक ठंडा हो रहा था, मेरा केक जब रेडी हुआ यहाँ पे, बस मैं इसको ऑलमोस्ट लास्ट फिनिशिंग वगैरह की और इसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, मुझे बड़ी खुशी थी कि मैंने बड़ा केक बनाया और बहुत अच्छा बना। मुझसे शेप में भी बहुत अच्छा लग रहा था, डिज़ाइनिंग में भी अच्छा लग रहा था। तो बस और मेरी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा आज भी ख़राब है, मेरे कान जो है ना बिल्कुल बंद हो चुका है, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो बस डॉक्टर को दिखाना है, तो बस मंडे को इंशाल्लाह जाऊँगी। तो मैं किचन यहाँ पर बड़ा गंदा हो रहा था, मुझे मैगी खानी थी, मैंने अपनी मैगी बनाई और मैंने इसको खाया। और खाने के बाद जो है मैं खाना बनाने नहीं थी, मेरा पुलाव जो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, लेकिन आज मैंने कोशिश करनी थी। काफ़ी सारी रेसिपीज चलते फिरते देखी थी, तो मैंने सोचा सबको मिला जुला के मैं बनाऊँगी। तो बड़ी कोशिश करने के बाद ना मेरा पुलाव काफ़ी बेहतर आज बना था। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बनाया नहीं अच्छा, लेकिन एक दो बार अच्छा बना है। कभी ये होता है कि गर्म मसाले तेज़ हो जाते हैं, कभी मिर्चें तेज़ हो जाती है, लेकिन अभी जो ना मैंने मिर्चें भी लाइट रखी थी, गर्म मसाले भी, तो बड़ा अच्छा बना था और यहाँ पर मैं खा रही थी। तो बस ये जो है ना खाना खाने के बाद जो है मैंने रात में सोने से पहले अपना दूध पीना होता है, डिलीवरी में मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं रोज़ पीती हूँ। तो बस आज के वक्त मैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।